बहुत दिनों बाद आखिर में अपने घर आ ही गए हैं हम लोगों ने। ये सोने का तरीका है गुल्लू जी का, है गुल्लू? गिरिएगा मत। अरे काम थे, सारे काम तो हम लोग खत्म कर लिए, दोनों मिलके किए दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय होम। बहुत दिनों के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर में पे दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, अभी बहुत सारे काम है और अभी हम बहुत थक जाएंगे। थक जाएंगे क्योंकि बहुत आराम किए, समझ 10 दिन से घर पे नहीं रहने से घर का क्या हाल होता है तो जानते हो दोस्तों। पूरा सामान बिखर जाता है धूल मिट्टी से, धोते ही पूरा घर और सब तो धोने ही हो तो धोवाई गई, लेकिन घर में बहुत काम हो जाते हैं। इसीलिए अभी देख रहे कितने सारे कपड़े भी नंदिनी देखिए निकाल के रखी यहाँ पर, उसको साफ करना है। बाकी और भी जो है वहाँ से लेके आई है, बाकी तो लग रहा है घर का ही लग रहा है ना, बहुत काम है दोस्तों। और किचन उचन भी साफ करना है, यानी किचन का अलग कर देते हैं दोस्तों, फिर बाद में ये सब करेंगे हम लोग। हम आए हैं घर पे तो हमारे घर में पता नहीं इतने सारे बर्तन कहाँ जाए, हम लोग तो छोड़ के नहीं देखे थे नंदिनी, छोड़ के गई थी दोस्तों। इतना बर्तन तो जूठा था क्या? जूठा छोड़ के बताइए घर में चली गई, पर एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, आपको तो पता होगा दोस्तों कितना दिन हो गया है। समझ नहीं होता जैसे जूठा बर्तन घर में था। जूठा नहीं था, जैसे होता तेल वाला वही था तो जूठा ही था दोस्तों। अच्छा खाना नहीं खाया, मतलब इसी घर पे रखा हुआ बर्तन। फिर भी बहुत काम है हमारे घर पे, आप लोग देख ही रहे, जब कोई दूर बाहर से आता है दोस्तों अगर 10-15 दिन रह के आए ना तो घर में लगता है ना कि घर पूरा उजराया हुआ है, मतलब जैसे तैसे सामान दिखता है। तो ही नंदिनी अभी लगी हुई सबको अपना बढ़िया करने में, अभी तो पहले किचन की है। और गुल्लू जी हमारे सो रहे हैं, चलिए दिखा देते। गुल्लू जी देख कैसे सो रहे हैं दोस्तों, विश्वास नहीं करेंगे। ये देखिए ये सोने का तरीका है गुल्लू जी का, है गुल्लू? सो रहा है, सोने दिए। इस तरह से सोता है कि मत पूछिए, टेढ़ा होकर सो रहा है सोता है, रहने दीजिए दोस्तों। चलिए अभी अपना नंदिनी इधर भिड़ी हुई है, चलो हो गया यार बहुत सारे काम है। 2 बार से नीचे जमीन साफ कर चुकी है, कितना कर रही है, नीचे ही साफ करती है तो हो गया। ये उठ चुके हैं हमारे शेर सिंह, क्या हो बेटा नहाया नहीं है दोस्तों ये 2 दिन से गुल्लू हमारा। अभी सब मिलके घर पोछ पाछ के धो धा के फिर तीनों फैमिली हम लोग नहाएंगे आराम से ना गुल्लू। देखिए शेर सिंह गिर जाएगा, गिर जाएगा गुल्लू, अभी उठा है आराम से। पूरा घर को साफ करना, पूरा गंदा हो गया अजीब टाइप से, एकदम लग रहा ना वाइट, मतलब मिट्टी से जम गया धूल जैसे दोस्तों। ना बेटा सोएगा हंसता है बेटा, आप लोगों को काम करना है, तुमको हंसी छूट रही है इसको हंसी छूट रही है दोस्तों। इसको तो चलिए चलिए दूध पिला, पिया भी नहीं पिया, होली फाड़ के दिए कि पी लो। चलिए चलिए घर का काम करिए दोस्तों, बहुत काम है, देख रहे इधर पर झोला आराम से काम करो, इतना काम है ना दोस्तों। आज तो नंदिनी का हालत खराब होगा, हमारा भी साथ में, क्योंकि कोई नहीं हम ही दो को करना होगा, ये तो सोएगा सीधे और हम लोग को परेशान करेगा ना बेटे। तो दांत कैसे होते जा रहे नंदिनी? अच्छा दांत दिखा दे बेटा, किए को दांत है, दांत टेढ़ा से जाता है गुल्लू का। अच्छा गिरने दे, दांत गिरेंगे। चलिए चलिए छोड़िए इसको। तो गुल्लू जी तो अपना खेल रहे हैं और हम लोग अपना इस रूम को तो साफ कर लिए बढ़िया से, रूम में हो ही गया, बस अब धोना बाकी ना, सबको धोएगी ना नंदिनी? हाँ धोएगी, सबको धोएगी, कितना धूल जम गया, धूल जाएगी 10 दिन में, इतना क्या पकड़े, ओ बाप रे, चलो उधर जाओ, इतना भारी पकड़ेगा, चलो ये घर भी धो देंगे, सब धो देती हूँ, बहुत दिन हो गया घर भी नहीं धोवाया था तो। चलिए दोस्तों सारे को धो लेते हैं बढ़िया से, एकदम अच्छी तरह से।
तो चलिए दोस्तों, घर का तो जितना भी था काम अंदर का पूरा धो धा के पूरा हो गया है। बच्चे आए सिर्फ बाहर, काफी थक गए। हम सोच रहे नहीं, यहाँ पानी लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, अंदर से लाना पड़ रहा है। नल है ना, जो इसको चालू करेंगे, दायरे के ऊपर से चालू करेंगे ना, पूरा पानी आने लगेगा, पूरा आराम से हो जाएगा। तो चलिए हम चलते ऊपर चालू करने। कपड़े ना से जब चढ़ रहे बंदर जैसे, गिरिएगा मत। तो चालू करना तो है। गुल्लू यहाँ पे पूरा बनमासी कर रहा, बनमाश्ट हो, देखिएगा लग जाएगा चोट। देखो चालू है, पानी होगा टंकी में तो हम देखते हैं। नहीं अभी तक तो नहीं आया। आ गया देखिए दोस्तों, पानी आराम से आ गया। उतर जाइए आप, इधर पानी भी आ गया है, इसमें हम लोग पीएंगे, आराम से भर आएगा और धोआ भी जाएगा। करिए आप जल्दी मिलकर धोना है, इतना काम भी है। अभी ये सब भी पूरा धोना है, पूरा इतना कचड़ा है। तो मैं उतरू कैसे, उधर भी जाइए। देखिए हमारा पानी पूरा ढह गया, अब उधर ही जल्दी ढह गया मेरा पानी, देख रहा अपने आप धोने लगा दोस्तों, धोने का दरकार भी नहीं। हमारा सारा काम तो हो गया है, जितना भी था सब धो दिए, अपना इधर उधर सब तरफ। गुल्लू भी नहा लिया है, नहा देना गुल्लू भी, नहा पूरा। अब इतना काम बचा हुआ नंदिनी का, इतना सारा काम बचा है। नहाए ना तो रो रहा है, ऐसे घूम रहा था पानी में, नहला दिए तो रोने लग गया है। फिर ये क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, नहा दिया ना मम्मा, रोजगार नहा दिए, क्या कर रही है। चलिए ठीक है, चलिए कपड़ा चेंज कीजिए, इसका इसका कपड़ा चेंज कर दीजिए, चलिए कपड़ा चेंज कर। चलिए दोस्तों गुल्लू को कपड़ा उपड़ा चेंज करा देते हैं, फिर बाकी का सब जितना भी काम होगा दिख रहा है आपको, हम लोग कर लेते हैं मिलके। तो सारा काम हो गया हमारा, और सब कपड़े जितने भी थे देख सकते हैं सारे धो दिए नंदिनी, सब तरफ आपको पसरे हुए नजर आ रहे हैं। पूरा काम करते करते शाम भी हो गया दोस्तों, करीब 3 बज गए हैं, करते करते इतना सारा काम, काफी काम था, बहुत ज्यादा था कपड़ा भी, इसीलिए एक भी कपड़ा रह जाता है, एक दो फिर भी रह जाएगा, बाद में धोवाएगा, आगे थोड़ा धूप लगेगा दोस्तों, इसलिए बदन में धूप की तरफ, अब धूप भी भागने वाला है। नहीं अभी 1-2 घंटा रहेगा, अभी तो 3 बजा है, खाना भी नहीं बनाई है। जार बनाने क्या बनाएंगे, भात है, भात है नहीं, भात दाल बनाई है, भात लगता है उसी दिन तो बनाएंगे, दाल ये नहीं है, सब्जी नहीं है, क्या बनाएंगे, क्या जो है उसी को बनाना होगा ना, जो है दोस्तों उसी में काम अभी चलाना। फिलहाल तो सारे काम थे, सारे काम तो हम लोग खत्म करिए, दोनों मिल के किए दोस्तों, सब खत्म। अब चलिए खाना बनेगा ना, खाना उना बनाने का, एक कप चाय बनाते कि जो है ना सर्दी लगा है ना, अच्छा कम होगा, चाय जरूरी है। चलिए तो आप चाय बना रही है, नहीं अपना चाय बना रही है, देख सकते हैं बन गया चाय, हाँ हो गया है चाय रेडी। क्या हो बेटा आप, काहे रो रहे हो, क्या हो गया गुल्लू, गुल्लू देखिएगा भारत चावल गिरा देगा। गुल्लू नहीं बेटा, नहीं बदमाशी नहीं बेटा, बदमाशी नहीं बेटा, आप ही चाय पीजिएगा, आप भी ना चाय पीजिएगा, आप भी चाय यानी खा लेगा, हाँ चूड़ा तो चाय बहुत खाता है, क्या जो लेके आया ना चूड़ा गांव से, नहीं गुल्लू उतना चाय मत दो यार, आदत हो जाएगा गुल्लू को चाय का, बच्चा लोग चाय नहीं पीते हैं बेटा, गुल्लू चाय पिएगा, नहीं नहीं बेटा चाय नहीं पीता है बच्चा लोगों, ये भी चाय पीने का आदत हो गया। बस अब भात चढ़ा देंगे, सब्जी क्या बनाए, अचार है ना, दाल है, जो बनाना है बनाओ, कौन जाएगा सब्जी लाने, उतना देर देखा जाएगा, इसी में काम चलाया जाएगा, क्या चाय आप लोग पी लीजिए, लोग भी पीने जा रहे दोस्तों, चाय का चूड़ा लाए दोस्तों, कुछ तो उतना लाए नहीं है इस बार हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, सिर्फ चूड़ा ले मम्मी, वो खरीद के लाई ना, तो वहाँ कहाँ से होगा, मम्मी ला के दे दी। हाँ दोस्तों गुल्लू अब चूड़ा खाएगा, चाय खाएगा, चाय का साथ हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, टोस्ट ना दोस्तों, आप उसको टोस्ट दीजिएगा ना, सो मालूम है कि टोस्ट को कहाँ डुबाना, चाय में जाकर डुबाएं, सब जानता है। अभी दाल भात तो खाएंगे ना बेटा, नहीं खाएगा, अगब चाय चाहिए इसको दोस्तों,
गप चाय कैसा होता है? चाय खाओ बेटा खाओ। चलिए दोस्तों हम लोग चाय पीते हैं। गुरु तो अपना खा रहा है, आप भी चाय पी लीजिए। हमारा हमारे तरफ से चाय और चूड़ा दोस्तों पी लिए दोस्तों। गुल्लू अपना अभी तक चूड़ा खा रहा है। नंदिनी चटनी बना रही है ना, दाल मटर का मतलब प्याज व्याज मिर्च उर्च दे के अच्छा से चटनी बना देंगे। दाल भी हो गया, बात भी हो रहा है दोस्तों। तो खाना होना, बाप रे बहुत भूख लगा दोस्तों। सुबह से काम कर करके थक गए हैं, बहुत काम किए दोस्तों। घर पूरा साफ पे और टोटल साफ किए, पूरा घर साफ किया है। लग भी रहा होगा पहले से अच्छा दिख रहा होगा थोड़ा। मैं खाना बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। देख सकते चोखा बनाई है नंदिनी, वो टमाटर जितना जलाई उसका चोखा भात डाले दोस्तों। चलिए लेके आइए नंदिनी जी, मेरा लेके चले ना। चलिए दोस्तों तीनों आ गए हैं अपने जगह पे। चलिए हमारा खाना तो आ चुका है, देख सकते हैं ना, दाल भात और हाँ गुल्लू भी खाएगा दोस्तों, देख लीजिए। वो तो बहुत दिन के बाद हम लोग एक साथ खा रहे दोस्तों। हाँ सही बोल रहा था, बहुत दिन हो गया दोस्तों एक दूसरे के साथ खाया। आज करीब जानते सुबह से कुछ नहीं खाए, बस एक कप चाय पी। आपके साथ चाय तो खाली पी हम लोगों ने, 3 बजे खाए। और देखिए अंधेरा भी हो गया, शाम हो गया मतलब 4 बजने वाले दोस्तों। दिन भर सारा काम करके लास्ट में खाना, लास्ट में खाना मतलब क्या बोलते हैं ना, सारा सफाई हो जाने के बाद पेट पूजा होता है। गुल्लू को भी दे दिए खाने, गुल्लू भी खा लेगा दोस्तों। आप खाइए लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए दाल भात और ये है टमाटर का चटनी जो है दोस्तों, भी वो खा लीजिए। फिलहाल अभी हम लोग यही खा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब ब्लॉग को हम लोग यही एंड करेंगे, बहुत लंबा हो गया ब्लॉग ना गुल्लू। उछल दिया, देखिए कितना बदमाशी कर रहा है, उछल के नहीं खाएगा, छोड़ दो। वो सिर्फ खेलता है दोस्तों खाना के साथ, बस कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा खाता है, अपने से उठाता है, मुंह में डालता है ऐसे बेटा, ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं। चलिए दोस्तों इसका मैं ऐसा चलते रहेगा। चलिए हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत दिन हो गया नंदिनी। तो खिलाओ, ऐसे क्या कर रही है, हम बोले खाना देगी। बहुत दिन हो गया दोस्तों इसका हाथ से खाया हुआ, बेचारा तरस गए थे अपने हाथ से तो बहुत खा लिए ना। चोखा उखा बनाया आज, लीजिए दोस्तों आगे आप लोग खा लीजिए, उसके बाद इनको दे चटनी खा के देखिए क्या कीजिए। बेचारा सब्जी लाने दूसरे के घर से गया, हरा मिर्चा लेके आया दोस्तों, उसके बाद चटनी बना, बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मतलब बहुत दिन के बाद बनाया ना, खाए भी बहुत दिन के बाद हाथ का, तो टेस्टी भी। नहीं भाई हमेशा टेस्टी बनाती है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। नहीं दोस्तों पीठ पीछे बुराई करते बोलते नहीं। चलिए दोस्तों तो खाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए हमारा वीडियो को, हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। चलते के लिए बाय बाय। गुल्लू टाटा कर दो, तो कर चुका है टाटा, कर दिया ना बेटा, पहले समझ गया था टाटा करना है, कर दिया। चलिए दोस्तों चलते हैं।